नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं दुदूस चाइनीज सेंटर कोल्हापुर में। लेट्स गो, तो चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, साथ में रेसिपी भी देखेंगे। दुदूस चाइनीज होटल का नाम। हाँ, और आपके यहाँ पे क्या क्या मिलता है? अपना चाइनीज सब मिलता है, चिकन राइस, चिकन हॉन्गकॉन्ग राइस, चिकन सिंगापुरी राइस। सर, आपके यहाँ पे जोमेटो और स्विगी का भी कुछ वो है, सर्विस है? अभी अवेलेबल नहीं है, अभी करने का है, अभी एक दो हफ्ता में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनके सबसे बेस्ट डिश जो कि है KFC क्रिस्पी चिकन। इस तरीके का जूसी, क्रिस्पी और क्रंची चिकन अगर आप भी खाना चाहते हैं तो जरूर होटल को विजिट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इनके किचन में ये बनती कैसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिए गए हैं बोनलेस चिकन के पीसेस, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाला गया है नमक, साथ में थोड़ा सा अजीनोमोटो और वाइट पेपर। ये क्या डाला? साथ ही साथ इसमें डाला गया है विनेगर। और साथ में थोड़ा सा खाने का सोडा। साथ में डाला गया है एक बड़ा चम्मच सोया सॉस और एक बड़ा चम्मच चिली सॉस। अब इसमें जाएगा दो मुट्ठी भर के कॉर्नफ्लोर और दो मुट्ठी भर के मैदा। कॉर्नफ्लोर से इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आता है। अब पानी डाल के इसका थोड़ा सा एक थिक बैटर बना के लेना है। देखिए, साथ में इन्होंने इसमें दो अंडे भी फोड़ के डाले हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना के लेना है, आप देख सकते हैं। अब इसे कम से कम 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखना है ताकि इन मसालों का जो भी फ्लेवर है वो इस चिकन में उतर जाए। 10 मिनट के बाद में इन चिकन के पीसेस को एक एक करके इस तेल में छोड़ना है और अच्छी तरीके से तल के लेना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पर लगभग 3 से 4 मुट्ठी लिया जा रहा है कॉर्नफ्लेक्स। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्नफ्लेक्स है वो किसी भी फ्लेवर का ना हो। अब इसको हाथों से अच्छे तरीके से चूरा चूरा करके लेना है। इसका ज़्यादा भी चूरा नहीं करके लेना है, थोड़े बड़े बड़े ही टुकड़े रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें और एक मैरिनेशन तैयार करके लेना है जिसमें एक मुट्ठी कॉर्नफ्लावर और एक मुट्ठी मैदा। साथ ही में जाएगा इसमें नमक, अजीनोमोटो और थोड़ा सा वाइट पेपर, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा चिली सॉस और पानी डाल के इसका एक घोल बना के लेना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा बेसिक प्रिपरेशन अब हो चुका है। अब इन फ्राइड चिकन के पीसेस को इस कॉर्नफ्लावर और मैदा के बैटर में अच्छी तरीके से घोल के ऊपर से इसको इस कॉर्नफ्लेक्स के चूरे की कोटिंग करके लेनी है, देखिए, जिससे कि इसमें कुरकुरापन आता है। और इसके बाद में इसे तल के लेना है। देखिए, गैस जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखनी है। आप देख सकते हैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से तल के लेना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन बनके रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगे वो जरूर बताइए। टिल देन, बाय बाय।